अपना नाम भूल लो। हाँ जी, मैनू पता नहीं क्यों मैं बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता जो मेनू कोई दे। मैं आप सच्चा हूं, सच्चा होने के बावजूद जो तो फिर मैं कहते गलत है तो मैं गुस्सा आ जाता। मैं जानते हुए भी कि मैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बाद मैं गुस्से होने तो बाद पछताता भी है, लेकिन फिर भी अपनी मैं इस आदत काबू नहीं पा सकता, पा सकिया हाल तक। सच्चे होना बड़ी अच्छी गल है, ते पर सच्चे होने तो बाद जब उन्होंने क्रोध चढ़ता तो फिर वह सतो गुणी का रोग बन जाता है। असं पढ़ते हैं ना रजो तमो सतो, सो रजो गुण होंगे दूजे नू डोमीनेट करना, किसी भी एक अपने तो इलावा किसी मनुख नू डोमीनेट करना, भावें कुत्ता बिल्ली हो। दूजिया नू डोमीनेट करन दी बीमारी रजोगुण, मंदे ख्यालां दे नाल जीण वाली जिहड़ी तामसिक बुद्धि हुंदी है तमोगुण, पर अपने आप नू हर गल सच्चे समझना, ईमानदार समझना, मैं बड़ा शरीफ हाँ, बाकी सारी दुनिया बेवकूफ है, बाकी सारे बेईमान हन, मैं शरीफ हाँ, मैं सच बोलता हाँ, मैं मूँह ते मारदा सिद्धी, यह सारी जदों इस तरीके की आदत बन जाती है ना, तां सच्चे होण दी बीमारी लग गई और वो सतो गुण दा रोग लग गया। हेत रोग का सगल संसारा इनू कहिंदे ने, जो जो दिसे सो सो रोगी वाले च। सो ज्यों ज्यों मैं सच्चा जीवन जीवां तो मैनू शीतलता, मिठास, सबर, संतोख ते काम करना चाहिए, क्रोध ते नहीं। जितना मैं सबर, संतोख, हलीमी, नम्रता उत्ते काम करांगा, क्रोध आपे ही माइल्ड होंदा जाएगा, क्रोध छड़ना नहीं पेगा, छूट जाएगा। फिर असी अपनी विचार करनी शुरू कर देंगे, मैं क्रोध करदा केड़ियां गल्लां ते हां, अति क्यों करदा हां। मैं खुद अपनी एग्जांपल दे रहा, रिसेंटली दसो जी, कुछ दिन हुए, हफ्ते दस दिन की गल ही है, मेरे मिसेज ने वैसे कुछ स्किन प्रॉब्लम है ना, तो वो साबण वाला काम कर सकते ना कोई होर, मतलब डस्ट डुस्ट वाला कर सकते हैं। मैं मैक्सीमम तो मैक्सीमम दी हेल्प करदा, मतलब साबण वाले काम जो भी एवरीथिंग जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करदा अपनी वित्त अनुसार। वो हूँ साल छः महीने तो मेट करती है, उस तो पहले हर एक मैं ही करता सीगा। वो फ्रिज का शीशा बस कट जी फ्रूट बस शीशे का ट्रेट वो टुट गया शीशा, कि मेट कोलो। अच्छा, मैं उन्होंने सिर्फ इन्नी गल कही, मैं क्या भी टूट गया अगे तो तुम उन्होंने को साफ ना कराया करो, मैं कर देता अगे मैं कर दिया करा। उन्होंने मैं पाक क्या कहना तुम करते ही कदों है, हालांकि सिर्फ छह महीने साल तो ही मेट हैगी है, वो करती है, हूं तक मैं ही करदा, वो क्या तुम करते ही कदों है। मैं हाँ मैं नहीं चाहता, गुस्सा तो चढ़िया कि तुम फर्ज करो 99 दिन तुम किया, 99 दिन मीनस पास्ट, और एक साल तो मेड रखी हुई है ना, सो एन समझ लो 99 दिन तुसी जेड़ा कीता वो इत्थे रख के बैठे हुए सी। गुरबाणी कहती है काऊ फल की इच्छा नहीं बादशाह, गुरबाणी कहती है कि तू निष्कामता सिख, तुसी जेड़ा 99 दिन कीता सी उहदा मतलब यह हो गया हुण अगो तो तू मैनू ना कदी कुछ कहीं देख। लेकिन मैनू तुहाडी गल तो ना याद आई है, हुणे गल चल रही सी ज्ञानी जी नाल कि पति घर आता है और पत्नी नूं कहिंदा चलो बाहर रोटी खाइए, तो कहिंदी तुसीं तां बाहरों ऑफिस तो आया, तुसीं तां तैयार तुरो, मैं तां सारा दिन काम करती रही, मैं तां ठीक तरीके नाल कपड़े भी नहीं पाए हुए और वाल भी नहीं वाए हुए, अच्छा मैं तैयार होके आनी हाँ। कहिंदा अच्छा चल तू तैयार हो, मैं बाहर दरी बन बिछाना, बाहर रोटी खानी है ना, तो तुसी विछा दिया करो ना यार दरी। जदों असी कोई चंगा नेक काम करते हाँ, उहदे इवज़ विच असी रब जी नूं नहीं खरीद लिया। लोकी समझते ने मैं रब नूं खरीद लिया, लोकी समझते ने हुण सारे मेरे आखे लग्या करन, लोकी समझते ने हुण मैनूं चंगा समझिया करन, लोकी समझते हन हुण सारे
सारी दुनिया सारी यूनिवर्स का सेंटर मैं हाँ, लोग समझते हैं सारी दुनिया मेरे मुताबक चलिया करे, थोड़ा ना क्रोध आपे विलीन हो जाएगा। तुम वो 99 दिन जो किया ना और ड्रॉप कर, नेकी कर कुएं में डाल, ठीक है ना। और एक क्रोध दिनों दिन विलीन होंदा जो असी दूजे वास्ते जीना सीखते हैं। जो तक उस पासे करता पुरख वाले कीमती काम नहीं ना शुरू करांगे, तां तक वो कुएं का मेंढक ओयो घर ओयो पत्नी ओयो टब्बर ओयो रूटीन उतों ही रोज़ लंघ के जाते हैं, ओयो ऑफिस है ना। साडा एक कुएं के मेंढक वाला जीवन बन जाता है और सानू थां थां ते जिन्हां गल्लां ते पहला क्रोध चढ़दा सी उन्हां ते ही चढ़ता रहिंदा है, क्योंकि मैं क्रोध दी शराब पीती हुई है और क्रोध दी शराब दा नशा मैनू चढ़दा है। गुरु पातशाह कहिंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया है, जित पीते मां दूर होए बरल पवे चाहे, मनु क्रोध दा क्रोध दी नशा चढ़िया होया, मेरी मत दूर चली जाती है बरल पै जाता है ना। सो जदों मैं इस क्रोध दी शराब दे बदले वड्डा गलास कोई होर शराब दा पीआं तां गल बन सकदी है ना, यह छुट जाएगा ना। बस कुछ उसारू करना शुरू करिए। मरण लिखाए मंडल में आए ते इहां खाट चलो हर लहा आगे बसन सुहेला, थोड़ा जा दस सकदे हो? ये तो हुण तुसी पूरी फिलोसफी छेड़ ली है। मरण लिखाए मंडल में आए द मैना, तुसी की समझदे हो? मौत निश्चित पहले ही फिक्स है, पुरो सी जो जन्म साडा होया तो ओदे वास्ते उस तो पहले मरण, जन्म तो पहले साडा मरना लिखया होया, किने निश्चित कीता है? किने यही तो मैं पूछना चाहूंगा। नहीं, किने लिखया? सानू ना हुण विचारना है गुरबाणी पढ़ के मैं किस किस्म दा रब मनदा हाँ। जो असी गल्लां करदे हाँ उन्हां मुताबक असी समझिया, आसमान ते एक रब है, उन्हें सारिया दा लेखा जोखा बनाया होया और पिछले जन्मा करके इस धरती ते भेजदा है और फिर उन्हां दे सवास लिख के भेज दिंदा है। ऐसा कोई असी रब तसव्वुर कीता होया है? गुरबाणी चो गुरबाणी वाला रब सीखना है। गुरबाणी वाला रब की है? चंगे गुण, रबी गुणा नू रब कहंदे ने। गुरबाणी दा रब की है? द लॉज ऑफ नेचर इज द विल ऑफ गॉड। गुरबाणी दा रब की है? बलिहारी कुदरत वसिया। गुरबाणी दा रब की है? कुदरत दे जिहड़े चंगे चंगे सारे नियम हन, इनएविटेबल हन, वह चेंज नहीं होंदे ने, उहनां नू कहंदे ने जन नानक के खेल कठन कठन, मतलब मुश्किल नहीं, कठन मीनस ए लॉज चेंज नहीं होंदे, ए लॉज इनएविटेबल ने, यह हमेशा खरे सच्चे रहिंदे ने। सतगुर की मत लईए तो इन्हां दे बारे समझ आती है। जन नानक ये खेल कठन है, किन्हू विरले जाना। ये नहीं है कि ओ ये बड़ी मुश्किल खेड है, ये नहीं गल चल रही। एक कुदरत दे नियम, कठन मीनस करड़े खरे सच्चे इनएविटेबल हन, इन्हां नू ही रब कहिंदे ने। और इन्हां नू रब कहिंदे ने। हुण इन्हां दे विचकार गुरमत दा कॉन्सैप्ट आंदा है, जे तू जीवतियां मर रहीए सीख लवें तां गल बन सकती है। जीवतियां मर रहीए सुसाइड नहीं होंदा, जीवतियां मर रहीए शरीरक डैथ नू नहीं कहिंदे ने। जीवतियां मर रही होंदे, कल साडा जलंधर प्रोग्राम सी, उहदे विच मैं सांझ कीती, फर्ज़ करो मेरा नां पहलां कोई नहीं सी, वाकई ये गल सच है। जदों मैं पैदा होया मेरा नाँ कोई नहीं सी, तां मेरा नाँ रख्या गया, घर वालों ने मेरा नाँ रख दिता भुपिंदर सिंह। वो जिहड़ा पहला मेरा कोई नाँ नहीं सी, वो जिहड़ा निर्मल नीर भोला एक रब रूप इंसान जिहड़ा पैदा होया सी, जिहदे च कोई अवगुण नहीं सी, वो समझण लग पिया मेरा नाँ भुपिंदर सिंह है। हुण उस बेनाम तो एक नाम रख दिता गया, थोड़ी देर बाद पता लगा लैस नेम भी रखी दा है, ते मेरा नाँ रख दिता, मैं जान के जात कल बनाई सी ताकि कोई माइंड ना करे, मेरा नाँ रख दिता लास्ट नेम।
ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਕੌੜਾ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਲੋਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲ ਮੰਨਣ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਕੌੜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਕੌੜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਕੌੜਾ ਖੋਰੇ ਦੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਨ ਬਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਨ ਬਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਕੌੜਾ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਨ ਬਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਐਮ ਨੋਨ ਬਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰਨਾ, ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਕੌੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਾਹ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਤੂੰ, ਇਹ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ, ਉਹ ਲਓ ਜੀ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੌਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕੁੜਿਆਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁੜਿਆਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਨ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੂਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਫਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾਹੀ ਲੋਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾਹੀ ਲੋਨ। ਇਹ ਲੋਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਇੱਕ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਕਈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਆਟਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਆਟਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਗਲਾ ਆਟਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਆਂ ਖਾੜ ਚੱਲੋ ਹਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਤਾਂ ਖੱਟ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਤੀ ਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅੱਗਾ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਰਕ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲਏ, ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ, ਔਗੁਣ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਗਾ ਨੇੜਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ।